नमस्कार, ANH न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र शर्मा। राजस्थान भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व चौमू से विधायक रामलाल शर्मा ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। शर्मा ने इस बार रीट परीक्षा के मुख्य आरोपी भजन लाल के पास पेपर कहां से आया, इसको लेकर सरकार को घेरा है। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि आखिरकार रीट परीक्षा के मुख्य आरोपी भजन लाल के पास पेपर आया कहां से, इस बात का खुलासा ना तो SOG और न ही सरकार कर रही है। शर्मा ने कहा कि राजस्थान के 25 लाख युवाओं ने रीट की परीक्षा दी और वो तमाम युवा यह जानना चाहते हैं कि रीट परीक्षा का पेपर आउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका भजन लाल की थी या किसी और की। विधायक शर्मा ने यह भी कहा कि मैं SOG की पकड़ में भजन लाल है, लेकिन अभी भी SOG इस बात का खुलासा नहीं कर रही है कि भजन लाल के पास पेपर आखिर कहां से आया। राजस्थान के 25 लाख युवाओं ने रीट की परीक्षा दी और वो तमाम युवा ये जानना चाहते हैं कि रीट परीक्षा का पेपर आउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका भजन लाल की थी। भजन लाल SOG के अधीन है, SOG की पकड़ के अंदर है, लेकिन अभी भी SOG इस बात का खुलासा नहीं कर रही कि भजन लाल के पास पेपर आखिरकार आया कहां से। और निश्चित रूप से तमाम युवाओं के मन और मस्तिष्क के अंदर यह आशंका है कि राजस्थान सरकार के ओहदे के ऊपर बैठे हुआ व्यक्ति, चाहे वो प्रशासनिक व्यक्ति हो और चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, उसी ने पेपर आउट करवाया। तो आज राजस्थान की जनता और तमाम युवा ये जानना चाहते हैं कि भजन लाल के पास पेपर पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था। राजस्थान की जनता के सामने सरकार खुलासा करे, लेकिन लगता है कि सरकार के दबाव के अंदर SOG भी ये खुलासा करने में विफल ही साबित होगी।